प्रिय शिक्षार्थियों, NIOS के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं रविकांत, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विद्यापीठ दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय से आज आपके समक्ष उपस्थित हूं। आपके पाठ्यक्रम कोर्स 510 के खंड 1 इकाई 4 के बच्चों के अधिगम में हस्त अनुभवों की भूमिका, आज हम इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। शिक्षा से मेरा अभिप्राय मानव और बालक के मन, मस्तिष्क और शरीर के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति से है। महात्मा गांधी। ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था कि उनके अर्थों में जो शिक्षा है, वास्तविक शिक्षा है, वह होगी जो किस मानव और बालक के मन, मस्तिष्क और शरीर के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति से है। यहाँ मस्तिष्क का अर्थ है ज्ञानात्मक पक्ष से, मन का अर्थ है भावात्मक पक्ष से, और शरीर का अर्थ है क्रियात्मक पक्ष से। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि यहाँ शरीर का अर्थ शारीरिक कार्यों से है। महात्मा गांधी ने अपने विचारों में हस्त अनुभवों को विशेष स्थान दिया है। विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था, शारीरिक क्रियाकलाप के बिना कोई भी मानसिक क्रियाकलाप पूरा नहीं हो सकता है। शिक्षार्थियों, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो आइंस्टीन बोल रहे हैं कि शारीरिक क्रियाकलाप के बिना कोई भी मानसिक क्रियाकलाप पूरा नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह है कि अगर आपको मानसिक क्रियाकलाप पूरा करना है तो आपको उसके लिए शारीरिक क्रियाकलाप भी पूरा करना होगा। ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर शारीरिक क्रियाकलाप होगा तो मानसिक क्रियाकलाप भी होगा, मानसिक क्रियाकलाप होगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शारीरिक क्रियाकलाप भी होगा। इस कथन में भी हम देखते हैं कि शारीरिक कार्य को उच्च स्थान दिया गया है। वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया जा चुका है कि बालक जो ज्ञान स्वयं के अनुभव या इंद्रियों से ग्रहण करते हैं वह उनके मन मस्तिष्क में स्थायी हो जाता है। शिक्षार्थियों, चीनी कहावत है कि 1000 पन्नों के पढ़ने से अच्छा है कुछ दूरी की यात्रा करना। इसका अर्थ यह है कि हम अगर 1000 पृष्ठ पढ़ें, पुस्तक पढ़ें, उससे कहीं अच्छा है कि हम कुछ दूरी की यात्रा करें। क्योंकि यात्रा करने में जब हम जाएंगे तो वहाँ हमें बहुत सारे स्थान मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे, हमें विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होंगे। तो इस तरह से ये चीनी कहावत ये कहती है कि जो अनुभव हैं उसमें हम इंद्रियों का जितना अधिक प्रयोग करेंगे उतना ही अधिक ज्ञान हमको प्राप्त होगा। शिक्षार्थियों, प्रकृति द्वारा बालक को 5 इंद्रियाँ प्रदान की गई हैं। वे इस प्रकार से हैं, आँख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, कान सुनने के लिए, जिह्वा किसी भी वस्तु का स्वाद ग्रहण करने के लिए, और त्वचा जो हमारी संवेदनाओं को ग्रहण करती हैं, हमारे वातावरण में आसपास जो भी वातावरण है उसकी संवेदनाओं को ये ग्रहण करती हैं। शिक्षार्थियों, इंद्रियों को ज्ञान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि हम जितना भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वह सारा इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, इसीलिए इंद्रियों को ज्ञान का प्रवेश द्वार कहा गया है। इस प्रकार विज्ञान शिक्षण में, जो कि प्रारंभ से ही अनुभवों से सीखने पर बल देता है, हस्त अनुभवों का अत्यधिक महत्व है। विज्ञान शिक्षण करके सीखने पर आधारित है, इस कारण हस्त अनुभवों का स्थान इस शिक्षण में महत्वपूर्ण है। यानी कि हम यहाँ पर उनके हाथों से करने वाले अनुभवों को अधिक से अधिक स्थान देंगे। शिक्षार्थियों, ये एक तालिका है जिसमें आप देखें कि हमने अधिगम क्रियाओं के आधार पर अधिगम प्रतिशत को यहाँ पर जो है दर्शाया है, जिसमें सबसे पहले है पढ़ना। पढ़ने से हमें 20% अधिगम मिलता है। इसका मतलब हम अगर पढ़ते हैं तो हम सिर्फ 20% अधिगम कर पाते हैं। इसके बाद है सुनना, जिसमें जो अधिगम का प्रतिशत है वो 30% है। इसके बाद देखना, जिसका जो अधिगम प्रतिशत है वह 40% है। कहना, जिसका अधिगम प्रतिशत 50% है। करना, जिसका अधिगम प्रतिशत 60% है। और अंत में देखना, सुनना, करना और कहना, ये 90% है। तो शिक्षार्थियों, तालिका से आपने देखा कि सबसे कम अधिगम प्रतिशत जो है वो पढ़ने का है, और सबसे अधिक अधिगम प्रतिशत जो है वो देखने, सुनने, करने और कहने का है। इस तालिका से स्पष्ट होता है कि जहाँ एक इंद्रिय का प्रयोग हुआ है, जैसे कि पढ़ने में, वहाँ अधिगम प्रतिशत कम है। और जैसे जैसे हमारी इंद्रियों का प्रयोग अधिगम में बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे अधिगम प्रतिशत भी बढ़ता चला जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो सबसे आखिर में हमने दिया, देखना, सुनना, करना और कहना, यहाँ अधिगम प्रतिशत 90% है। और यहाँ पर
सबसे ज़्यादा इंद्रियों का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे इंद्रियों का प्रयोग शिक्षण अधिगम में बढ़ता चला जाता है, अधिगम प्रतिशत भी उसी अनुपात में निरंतर बढ़ता चला जाता है। शिक्षार्थियों, अब हम चर्चा करेंगे हस्त या अधिगम अनुभवों का वर्गीकरण। हस्त अनुभव प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव, अप्रत्यक्ष अनुभव। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्रत्यक्ष अनुभव पर। ये अनुभव वे अनुभव हैं जिनमें बालक स्वयं की इंद्रियों का प्रयोग करते हुए ज्ञान की प्राप्ति करता है। इसका अर्थ यह है कि इसमें जो बालक की प्रकृति प्रदत्त 5 इंद्रियां हैं, जब वो उनका प्रयोग करेगा, विभिन्न प्रकार के अनुभवों को एकत्र करेगा, तो इनको हम बोलेंगे प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष का मतलब सीधे सीधे जो छात्र स्वयं से ग्रहण कर रहा है। विज्ञान शिक्षण में बालक विभिन्न सामग्री को छूकर, सूंघकर, चखकर देखता है और उनके बारे में एक स्पष्ट अवधारणा का निर्माण करता है। यहाँ पुनः आप देखें कि यहाँ हमारी इंद्रियों का पुनः प्रयोग हो रहा है, छूकर, सूंघकर, चखकर देख रहा है, तो इससे जो उसके ज्ञान का जो उसको ग्रहण कर रहा है वो प्रत्यक्ष रूप से कर रहा है। इसलिए ये सारे अनुभव जो हैं हमारे प्रत्यक्ष अनुभव आते हैं। शिक्षार्थियों, हम देखेंगे प्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम। इन माध्यमों में सर्वप्रथम है वस्तुओं का वर्गीकरण और उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर करना, यानी कि वस्तुओं का जो वर्गीकरण है, जो हमें जैसे दिखाई दे रही है, जैसे वो द्रव है, ठोस है, गैस अवस्था में है, तो इस आधार पर जब हम वस्तुओं का वर्गीकरण करते हैं तो वो प्रत्यक्ष अनुभवों का। और ये अनुभव कैसे होगा? ये उनको छूकर होगा, इसलिए ये प्रत्यक्ष अनुभव होंगे। दूसरे जो माध्यम है वह है उपकरणों का अवलोकन एवं वर्गीकरण करना। अब चूंकि विज्ञान है, विज्ञान में हम विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक उपकरणों का अवलोकन करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं, तो यहाँ हम वैज्ञानिक उपकरणों का अवलोकन करेंगे और उनका वर्गीकरण करेंगे। और ये वर्गीकरण भी कैसे होगा? ये वर्गीकरण भी उनको छूकर होगा, उनको देखकर होगा, उनको इस्तेमाल या उनको प्रयोग करके होगा कि कौन सा जो है हमारा रासायनिक विज्ञान से संबंधित है, कौन सा हमारा भौतिक विज्ञान से संबंधित है, कौन सा हमारा जीव विज्ञान से संबंधित है। इस तरह प्रत्यक्ष अनुभव का जो एक माध्यम है वह उपकरणों का अवलोकन भी है और उनका वर्गीकरण करना भी है। शिक्षार्थियों, अगला जो माध्यम है वह है सामान्यीकरण या सारांश प्रस्तुत करना। सामान्यीकरण का अर्थ, हमने किसी चीज़ को देखा, किसी वस्तु को देखा, किसी प्रक्रिया को देखा और उसको समझने के बाद, उसका तार्किक चिंतन करने के बाद, जब हम उसको अपने शब्दों में, यानी कि सामान्य शब्दों में लिखते हैं, सारांश प्रस्तुत करते हैं, तब ये प्रत्यक्ष अनुभवों का माध्यम होगा प्रत्यक्ष रूप से। क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो अनुभव होंगे, इसमें जो शब्द होंगे, जो वर्णन होगा, वो स्वयं बालक का होगा, छात्र का होगा। इसलिए सामान्यीकरण या सारांश प्रस्तुत करना ये भी प्रत्यक्ष अनुभवों का एक माध्यम है। अगला माध्यम जो है वह है प्राकृतिक प्रक्रियाओं का वर्णन या चित्रण करना। जैसे कि बहुत सारी प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, आप देखेंगे किस प्रकार से बीज का अंकुरण होता है, आप देखेंगे किस प्रकार से वाष्पन होता है, आप देखा सकते हैं कि किस प्रकार से एक जो बर्फ़ है वो कैसे जम जाती है। तो ये सारी प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं और इनका वर्णन या चित्रण जब हम करेंगे, तो चूँकि शिक्षार्थी या छात्र जो है हमारा वो स्वयं से करेगा, तो उसकी जो कल्पना होगी वो इसमें सम्मिलित होगी। इसलिए प्राकृतिक प्रक्रियाओं का वर्णन या चित्रण करना भी प्रत्यक्ष अनुभवों में सम्मिलित है। अगला जो अनुभव है वह है प्रतिमान, मॉडल या चार्ट बनाना। विज्ञान में बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं, या तो बहुत सूक्ष्म है वो या वो बहुत बड़ी हैं वो, जिनको हम सीधे सीधे कक्षा में नहीं ला सकते, तो हम उसके लिए प्रतिमान या चार्ट बनाते हैं। तो जब बालक प्रतिमान या चार्ट बनाता है तो उसके मन मस्तिष्क में एक कल्पना होती है कि वो चीज़ ऐसे दिखाई देती है और उसी को वो अपने प्रतिमान या मॉडल में बनाता है, तो वो अपने प्रत्यक्ष अनुभव ले रहा है। वहाँ पर कोई चीज़ कैसी दिखती है, उसने कैसे उसको सोचा हुआ है, तो इस तरह से ये प्रत्यक्ष अनुभव उसको यहाँ पर मिलते हैं। शिक्षार्थियों, अगले जो अनुभव हैं, अब हम उन पर आते हैं, वे हैं अप्रत्यक्ष अनुभव। अप्रत्यक्ष अनुभव वे अनुभव हैं जिनमें बालक स्वयं की इंद्रियों का प्रयोग ना करके उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ज्ञान प्राप्त करता है। अब देखिए, यहाँ स्पष्ट है अप्रत्यक्ष। अभी पहले हमने पढ़ा प्रत्यक्ष, अब यह है अप्रत्यक्ष। ये जस्ट उसके विपरीत हैं, यानी कि इसमें वो स्वयं की इंद्रियों का प्रयोग नहीं करता है, बल्कि जो उपलब्ध साक्ष्य हैं उनके आधार पर जब ज्ञान प्राप्त करता है, तब हम बोलते हैं कि वे अप्रत्यक्ष अनुभव हैं। इसमें उसकी स्वयं की इंद्रियों का प्रयोग नहीं हो रहा है। अप्रत्यक्ष अनुभव किसी ऐसी घटना या प्रक्रिया के लिए प्रयोग किए जाते हैं जिनका अवलोकन सामान्य परिस्थितियों में ना किया जा सकता हो। शिक्षार्थियों, बहुत सारी जो प्राकृतिक परिस्थितियाँ हैं या प्राकृतिक घटनाएँ हैं, वो ऐसी परिस्थितियों में भी घटित होती हैं कि जहाँ हम पहुँच नहीं सकते, या जो हमारे लिए थोड़ा सा घातक हो सकती हैं, हानिकारक हो सकती हैं।
जैसे कि ज्वालामुखी का विस्फोट है, हम वहाँ नहीं पहुँच सकते, हम अपने छात्रों को वहाँ नहीं ले जा सकते, ये प्रक्रिया क्लास में भी नहीं करवाई जा सकती। तो इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग करते हैं, कैमरा इत्यादि को वहाँ लगा देते हैं। तो इस तरह से जो हमें साक्ष्य मिलते हैं उनका अवलोकन जब हम कर पाते हैं तब इनको हम अप्रत्यक्ष अनुभव कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे छात्र की इंद्रियों का प्रत्यक्ष जो ज्ञान है वो उसे नहीं मिल रहा है, वो प्रत्यक्ष रूप से वहाँ उपस्थित नहीं है। शिक्षार्थियों, आप देखते हैं कि अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम क्या हैं हमारे पास। तो जो पहले माध्यम है वो हैं पुस्तकें, शोध पत्र, पत्रिकाएं, लेखों को पढ़कर उन पर चर्चा करना। यानी कि जो पुस्तकें हैं हमारे पास, जो हमारे पुस्तकालय में उपस्थित हैं, शोध पत्र हैं, पत्रिकाएँ हैं, लेख हैं, इसमें समाचार पत्र भी हो सकता है, यानी कि वे चीज़ें जिनको किसी और ने लिखा है, हम उनको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उनको चर्चा करते हैं। और इस तरह पढ़ने के बाद, चर्चा करने के बाद जब हम उनको अच्छे से उनका अवलोकन कर लेते हैं, चिंतन कर लेते हैं, उसका तार्किक चिंतन कर लेते हैं, तब जो ज्ञान प्राप्त होता है वे भी अप्रत्यक्ष अनुभव में सम्मिलित होगा। अगला जो माध्यम है वह है मॉडल, चित्रों, चार्ट इत्यादि के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। यहाँ हम अवलोकन कह सकते हैं कि अवलोकन जो है वो यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, किसी भी घटना का, प्रक्रिया का, किसी भी उपकरण का मॉडल, चित्र या चार्ट अगर हम देखते हैं तो हम उसको समझ पाते हैं कि ये किस तरह से, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, इसकी प्रक्रिया क्या है। तो ये जो अवलोकन है ये अप्रत्यक्ष अनुभव में सम्मिलित है। अगला जो माध्यम है वह है सूचना तकनीकी के उपकरणों की सहायता से ज्ञान प्राप्त करना। शिक्षार्थियों, आप जानते हैं कि ये समय जो है वो सूचना तकनीकी की क्रांति का समय है। हमारे पास सैकड़ों, हजारों, लाखों उपकरण उपस्थित हैं जिनकी सहायता से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इन माध्यम से भी जो ज्ञान हमको प्राप्त हो रहा है वह भी हमारे अप्रत्यक्ष अनुभवों में वृद्धि करता है। कैमरा, टेलीविज़न, हमारा मोबाइल फ़ोन या हमारा इंटरनेट, ये सब सूचना तकनीकी के उपकरण हैं। तो इनसे भी जो ज्ञान हमको मिल रहा है वह भी अप्रत्यक्ष ज्ञान में सम्मिलित होगा। शिक्षार्थियों, अब हम चर्चा करेंगे कि हस्त अनुभव जो है उनका महत्व क्या है, वो क्यों हमारे लिए आवश्यक हैं, विशेष रूप से विज्ञान शिक्षण में क्यों आवश्यक हैं। तो सबसे पहले जो इसका महत्व है वह है ये बालक को करके सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसका अर्थ ये कि विज्ञान तो कर सीखने पर ही आधारित है, हम करें और सीखें। तो इसलिए ये जो हस्त अनुभव हैं ये बालक को प्रोत्साहित करते हैं कि आप स्वयं करिए और स्वयं सीखिए। इसलिए ये करके सीखने को प्रोत्साहित करते हैं, जो कि सीखने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। अगला महत्व है ये बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करते हैं। विज्ञान शिक्षण का, जैसा कि शिक्षार्थियों आपको मालूम है कि विज्ञान शिक्षण का जो सबसे प्रथम उद्देश्य है वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तो जैसे हमने छात्रों से कहा कि इसको करो और सीखो, तो जब वो स्वयं करते हैं, स्वयं अनुभव करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं, तो वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करते हैं। इसलिए ये भी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है हस्त अनुभवों का, कि वो बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करते हैं। अगला महत्व, ये बालकों की अवलोकन क्षमता एवं निष्कर्ष पर पहुंचने की क्षमता का विकास करते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने चर्चा की कि उसको हम अवलोकन करवाते हैं, उसको करके सीखने की तरफ हम उसको प्रोत्साहित करते हैं, तो वो अवलोकन करता है, बालक विभिन्न उपकरणों का, प्रक्रियाओं का, वैज्ञानिक नियमों का अवलोकन करता है। अवलोकन करने से उसकी अवलोकन की क्षमता बढ़ती है, और जब अवलोकन एक तार्किक क्रम में चलता है और बहुत ही एक व्यवस्थित रूप में चलता है तो हम निष्कर्ष पर पहुंचने पर भी आसानी होती है। तो इस प्रकार से हस्त अनुभव जो हैं बालकों की अवलोकन क्षमता और उनके निष्कर्ष पर पहुंचने की क्षमता का भी विकास करते हैं। अगला जो महत्व है वह है स्व अध्ययन की आदत का विकास करते हैं। स्व अध्ययन यानी कि स्वयं से पढ़ना, स्वयं प्रोत्साहित, स्वयं से पढ़ने का अर्थ यहाँ है स्वयं प्रोत्साहित होकर पढ़ना बिना किसी दबाव के। तो शिक्षार्थियों, जब हम विज्ञान जैसा विषय जो कि करके सीखने पर आधारित है और हम उनको विभिन्न विधियों से विज्ञान शिक्षण देते हैं, तो हम उनसे ये भी कहते हैं कि आप स्वयं करके लाइए इसको, बालक से कहते हैं कि हम स्वयं करके लाइए इसको। तो स्वयं ज्ञान प्राप्ति की ओर करने के लिए वो स्वयं अध्ययन करता है, वो पुस्तकों को पढ़ता है, वो समाचार पत्रों को पढ़ता है, अपने साथी जो उसके छात्र हैं या अध्यापक हैं वहाँ पर वो उनसे चर्चा करता है। तो इस तरह से उसकी जो है स्व अध्ययन की आदत जो है वो विकसित होती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला महत्व, श्रम के प्रति सम्मान को विकसित करने में सहायक होते हैं। हस्त अनुभव में, जैसा कि नाम से ही जुड़ा हुआ है, हस्त अनुभव यानी हाथ से करने वाले अनुभव, तो जब वो हाथ से कर रहा है तो कहीं ना कहीं श्रम के प्रति सम्मान भी विकसित हो रहा है कि हम इसको स्वयं करके सीखे हैं, हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है खुद करके सीखा है, ये प्रयोग मैंने खुद से किया है। इसलिए श्रम के प्रति जो सम्मान की भावना है वो भी उसके अंदर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विकसित होती है। इसका जो अगला महत्व है वह है बालकों के ज्ञानात्मक, भावात्मक
एवं क्रियात्मक विकास में सहायक होते हैं। शिक्षार्थियों, अभी प्रारंभ में मैंने जैसे एक महात्मा गांधी की परिभाषा को यहाँ पर बताया था कि जिसमें मन, मस्तिष्क और शरीर के सर्वोत्तम अंश की व्याख्या से था, वो महत्व यहाँ पर इंगित हो रहा है। यहाँ मस्तिष्क जो है वो ज्ञानात्मक पक्ष की ओर इंगित कर रहा है, मन जो है वो भावात्मक पक्ष की ओर इंगित कर रहा है, और शरीर जो है वो क्रियात्मक विकास की ओर इंगित कर रहा है। तो महात्मा गांधी की जो परिभाषा है वो यहाँ बहुत ही सही सिद्ध होती है कि ये हस्त अनुभव जो हैं ये बालकों के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक विकास में सहायक होते हैं। अगला जो महत्व है, सभी मानसिक स्तरों के बालकों के लिए लाभकारी। शिक्षार्थियों, हमारी कक्षा में विभिन्न मानसिक स्तर के बालक होते हैं। उसमें बहुत से बालक ऐसे हैं जो विशेष क्षमता वाले होते हैं, बहुत से बालक जो होते हैं जिनको हम कहते हैं कि सृजनात्मक बालक होते हैं, यानी कि सब सारे मानसिक स्तर के बालक हमारे पास होते हैं। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुनकर सीख लेते हैं, लेकिन कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो कर सीखते हैं। तो ये जो हस्त अनुभव हैं, चूँकि इसमें हाथ से कर सिखाया जा रहा है, इसलिए ये अनुभव सभी मानसिक स्तर के बालकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होते हैं। ठीक इसी तरह से विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए लाभकारी, कुछ विशेष आवश्यकता के बालक होते हैं, यानी कि जिनकी इंद्रियाँ कुछ मतलब कम कार्य कर रही होती हैं या उनमें कुछ विसंगति होती है, इस कारण से उनके अधिगम में कुछ बाध्यता या उनमें बाधा उत्पन्न होती है, तो ये विशेष आवश्यकता के बालकों के लिए हस्त अनुभव विशेष रूप से लाभकारी हैं, क्योंकि उनकी जो इंद्रियां हैं जो कार्य कर रही हैं उनसे वो उसको कर सीखते हैं। शिक्षार्थियों, अब एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे, वह है हस्त अनुभवों के चुनने के मापदंड। किन मापदंडों के आधार पर हम हस्त अनुभवों को चुनेंगे, जिसमें पहला मापदंड है शिक्षण उद्देश्यों से प्रत्यक्ष और स्पष्ट तरीके से जुड़े हों। यानी कि जो हस्त अनुभव हैं वो हमारे शिक्षण उद्देश्यों से प्रत्यक्ष और स्पष्ट तरीके से जुड़े होने चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारा शिक्षण उद्देश्य कुछ और है और हमारे हस्त अनुभव कुछ और हैं। इन दोनों में प्रत्यक्ष और स्पष्ट संबंध होना अति आवश्यक है, अन्यथा हम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाएंगे। अगला जो मापदंड है वह है बालकों के दैनिक जीवन से जुड़े हों। ये बहुत महत्वपूर्ण मापदंड है कि जो भी हस्त अनुभव हम उनको प्रदान कर रहे हैं या हम उनको निर्देशित कर रहे हैं वो उनके दैनिक जीवन से जुड़े हुए हों। ऐसा कोई भी हस्त अनुभव हम उनको प्रदान ना करें जो उनके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि हमने ऐसा हस्त अनुभव दे दिया कि जो उनके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये उनके अधिगम में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसलिए जितने भी हस्त अनुभव दिए जाएँ वह आवश्यक रूप से उनके दैनिक जीवन से जुड़े हुए होने चाहिए। अगला जो मापदंड है वह है बालकों के मानसिक स्तर के अनुकूल हों। यानी कि जो बच्चों का मानसिक स्तर है उसके अनुकूल हों, ना तो वो बहुत ज़्यादा मानसिक स्तर से निम्न श्रेणी के हों, ना ही वो उनके बालकों के मानसिक स्तर के बहुत ज़्यादा उच्च श्रेणी के हों। क्योंकि अगर आप उनको निम्न श्रेणी का दे देंगे तो उनको उसमें किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं आएगा, किसी भी प्रकार की उसमें जो है उनकी रुचि नहीं बनेगी, और अगर आप उनके मानसिक स्तर से उच्च स्तर का देते हैं तो वो उनके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए कोशिश ये करें, प्रयास ये करें कि जो भी हस्त अनुभव हम चुनें वो बालकों के मानसिक स्तर के अनुकूल हों। अगला जो मापदंड है वह भी महत्वपूर्ण है कि संसाधनों और समय सीमा के अंतर्गत हों हमारे हस्त अनुभव। यानी कि जो संसाधन हमारे पास हैं, जो विद्यालय में हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं और जो हमारी समय सीमा है, क्योंकि हर जो शिक्षक है उसकी एक समय सीमा तय होती है हर विद्यालय में, इसलिए उनके संसाधन और समय सीमा जो है उसके अंतर्गत होने चाहिए, वो उन संसाधनों से बाहर ना हों। अगला मापदंड एक प्रभावशाली विषय वस्तु को प्रस्तुत करते हों, यानी कि विषय वस्तु जो हो प्रभावशाली हो, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको बताया जा चुका हो जिससे कि उनको हस्त अनुभव ग्रहण करने में आसानी हो। अगला मापदंड किसी भी तरह से ऐसी परिस्थितियों से ना जुड़े हों जो बालक के लिए हानिकारक हो। विशेष रूप से देखिए, विज्ञान में हम बहुत सारे ऐसे उपकरणों का प्रयोग करते हैं जो अगर उनका प्रयोग सावधानीपूर्वक ना किया जा सके तो उनसे कुछ हानि हो सकती है हमारे छात्रों को, सीखने वालों को। तो इस तरह से ये ध्यान रखें कि अगर ऐसे हस्त अनुभव ना दें आप कि जिसमें कोई भी ऐसी परिस्थिति हो जो बच्चों के लिए किसी भी प्रकार से हानिकारक सिद्ध हो। अगला मापदंड जो है वह है बालकों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करते हों, यानी कि वो रुचिपूर्ण हो, उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करें। अगर उनके मानसिक स्तर के अनुकूल हैं तो निश्चित रूप से वो उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न कर सकते हैं। अगला है किसी भी प्रकार का भेदभाव से ना जुड़े हों। ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि हस्त अनुभव देते समय हम बालकों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई भेदभाव ना करें कि किसी को ये लगे कि मुझको ये ऐसा कठिन हस्त अनुभव दे दिया या मुझको आसान दे दिया, तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार के भेदभाव से वो ना जुड़े हों। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि विज्ञान शिक्षक को हस्त अनुभवों के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, उसे इस अनुभवों को आयोजित करने की कला भी आनी चाहिए।
प्रिय शिक्षार्थियों, इस तरह से आज हमने अध्ययन किया कि हस्त अनुभव शिक्षण में किस प्रकार से सहायक सिद्ध होते हैं, विशेष रूप से विज्ञान शिक्षण में हस्त अनुभवों का क्या महत्व है और किन मापदंडों के आधार पर एक शिक्षक को हस्त अनुभवों को चुनना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी हस्त अनुभव की महत्ता से विज्ञान शिक्षण में परिचित हो गए होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।